हनुमान जी की सबसे बड़ी क्वालिटी थी गुड लीडर, वो अच्छे लीडर थे। लीडर बनने की कोशिश संसार में हर व्यक्ति करता है, हर व्यक्ति चाहता है कि हम लीडर बन जाए, लेकिन लीडर बनने के लिए क्या चाहिए जीवन में वो पता नहीं, लीडर बनने के लिए क्या क्वालिटी डेवलप करनी पड़ती है ये पता नहीं है, लीडर बनने के लिए हमें जीवन में क्या हासिल करना है ये पता नहीं है। इसीलिए कहा कि गुड लीडर कैसे बन पाए, ये हनुमान जी से सीखे और कहा कि लीडर बनने के लिए सबसे बड़ी क्वालिटी है संकल्प शक्ति। आपके भीतर एक संकल्प शक्ति होनी चाहिए, जिसके भीतर संकल्प शक्ति ना हो वो लीडर नहीं बन सकता। आप परिवार के लीडर बनना चाहते हो, आप संघ के लीडर बनना चाहते हो, आप समाज के लीडर बनना चाहते हो, आप देश दुनिया के लीडर बनना चाहते हो, एक भीतर में संकल्प शक्ति होनी चाहिए। और कहा कि समझना लीडर के जीवन में दो गुण ऐसे जो परस्पर विरोधी है लेकिन फिर भी उसके जीवन में दिखाई पड़ते हैं। पहले नंबर में उत्साह भी उसके जीवन में होता है और दूसरे नंबर में धैर्य भी उसके जीवन में होता है। दोनों परस्पर विरोधी है। उत्साही व्यक्ति धैर्यवान नहीं हो सकता और धैर्यवान व्यक्ति धीरे धीरे निरुत्साह हो जाता है, उसका उत्साह धीरे धीरे मंद हो जाता है। लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि समझिएगा, हनुमान जी हमें यह सिखाते हैं कि जरूरत पड़े वहां उत्साह भी है और जरूरत पड़े वहां पर धीरज भी है। जीवन में उत्साह भी बना रहा है यह भी जरूरी है, तो समय आवे तब धीरज भी रखनी पड़े ये भी जरूरी है। और जीवन में कई मामले ऐसे हैं जो धीरज से ही निपटाए जा सकते हैं। जीवन में कई मामले ऐसे हैं जहां हमें वेट करना पड़ता है। आज संसार की मानसिकता है कोई वेट करने तैयार नहीं है। वेट करने की आपकी मानसिकता नहीं है, रुकने की आपकी मानसिकता नहीं है, आप एक मिनट वेट नहीं करते हो। मैं तो कई बार कहता हूं कि समझ लेना, आपने किसी को फोन लगाया और फोन लगने के बाद में फोन वेटिंग पर आया। आपको पता है फोन यदि वेटिंग पर आता है तो सामने वाले को डिस्प्ले होता है ना किसका मिस कॉल है, लेकिन फिर भी हम कितनी देरी पे दूसरा फोन लगा लेते हैं, 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड। हमको पता है वो इंसान किसी से बात कर रहा है, हमको ये भी पता है कि सामने उसके डिस्प्ले में आ रहा है कि मेरा मिस कॉल जा रहा है, नहीं उठा रहा है तो कुछ काम कर रहा होगा, लेकिन उतनी भी धीरज 10 सेकंड की धीरज आपके जीवन में नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि धीरज और उत्साह ये दोनों का समन्वय जब हो तब आप जीवन में श्रेष्ठ लीडर बन सकते हो। जरूरत पड़े तहां भीतर से उत्साह भी हो और जरूरत पड़े तहां पर निश्चित तौर पर धैर्य की कामना धैर्य की भावना भी हो। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि समझ लेना गुड लीडर हनुमान जी थे। उन्होंने क्या लीडिंग किया आपको पता है? घर में तीन लड़के हो ना छोटे, वो तो समझदार होते हैं, उसको संभालना भी माता पिता को सरदर्द बन जाता है। तीन बेटे घर में हो छोटे, उसको संभालना भी माता पिता के लिए सरदर्द बन जाता है। भगवान कहते हैं समझना, इतनी बड़ी वानर सेना को संभालना कितना मुश्किल काम होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वानर सेना थी पूरी, लेकिन उसको भी संभाला, उसको भी लीड किया। अरे समझ लेना, संसार में इंसान की सेना को लीड करने वाले बहुत सेनापति हुए, लेकिन वानर सेना को लीड करने वाले एकमात्र सेनापति हुए वो थे हनुमान जी, गुड लीडर। खुद के हृदय में तो भगवान की भक्ति थी, खुद के हृदय में परमात्मा की आज्ञा थी, लेकिन इतने सारे के हृदय में भगवान की भक्ति पैदा करनी, इतने सारे के हृदय में खुद की आज्ञा का पालन करवाना, ये गुड लीडर का काम है। इसलिए मैं जब उनके जीवन को देखता हूं तो मुझे तीन चीजें दिखाई पड़ती है कि एक लीडर के जीवन में तीन क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहले नंबर में दूरदर्शिता, दीर्घ दृष्टि होनी चाहिए, दूरदर्शिता उसके जीवन में होनी चाहिए। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उसके अगले दिन क्या होगा, 6 महीने बाद क्या होगा, वो लीडर को पता होता है और इसीलिए वो लीडर है। सामान्य इंसान ये नहीं जान पाता, उसके जीवन में कहीं ना कहीं दूरदर्शिता नहीं होती। आपको बताए वो दूरदर्शिता की ताकत हनुमान के जीवन में कैसी थी। उन्होंने दो पात्र राम से मिलवाए, एक सुग्रीव को मिलवाया और एक मिलवाया किसको, विभीषण को। दो पात्र का परिचय राम से करवाया। राम भी तब नहीं समझे कि क्यों करवाया होगा, कैसे करवाया होगा, लेकिन देखो दूरदर्शिता की ताकत कैसी। जब बाली का वध करना था तो कौन काम में आया, सुग्रीव काम में आया, और जब रावण का वध करना था तब कौन काम में आया, तब विभीषण काम में आया। ये लीडर की ताकत है दूरदर्शिता, लंबा सोच सकते,
एक साल बाद दो साल बाद क्या होगा, जिसके जहन में आ जाए वो लीडर की ताकत है। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, समझ लेना, कोई भी आप लीडर बनना चाहते हो संसार में, परिवार के मोभी हो, परिवार के लीडर हो, समाज के, संघ के, देश के, राज्य के, आप छोटे से गाँव के, छोटे से शहर के, कहीं पर भी आप लीडरशिप करना चाहते हो, ये तीन क्वालिटी आपके भीतर होगी, निश्चित तौर पर आपको लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दूरदर्शिता, सामान्य इंसान जो सोचते हैं उससे दूर की सोचने की ताकत आपके भीतर डेवलप होनी चाहिए, हनुमान जी से सीखे। दूसरे नंबर में नीतिमत्ता, लीडर यह होता है जो अपने वैल्यूज को ना छोड़े, जो अपने नीतिमत्ता को ना छोड़े, जो अपने एथिक्स को ना छोड़े, जो अपने सिद्धांतों को ना छोड़े, वो लीडर होता है। साम दाम दंड भेद चारों नीतियों का ज्ञान जिसके पास हो वो लीडर हो पाता है। उसको पता होना चाहिए कि किसको कैसे मनाया जाए, किसको कैसे समझाया जाए, किसके पास से कैसे काम लिया जाए, ये जानता है। इसीलिए कहा कि समझ लेना, जब सुग्रीव वापस चला गया, दूर चला गया, अलग हो गया, जब वो दूसरे रास्ते पर चला गया, तब रामायण ये कहता है कि निश्चित तौर पर समझने की कोशिश करना, सुग्रीव जब दूर चला गया तब उसके पास ये नीतिमत्ता थी, उसके पास ये ताकत थी कि साम दाम दंड भेद कोई भी रास्ते से सुग्रीव को वापिस राम के पास लेकर गया। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, समझना, हम लीडर तो बनना चाहते हैं, लेकिन लीडर बनने के लिए क्या क्वालिटीज हमारे भीतर होनी चाहिए हमने कभी नहीं देखा। और ये हनुमान जी हमें सिखा दें कि गुड लीडर कैसे बने जीवन में। इसीलिए कहा कि समझ लेना, पहले नंबर में दूरदर्शिता, दूसरे नंबर में नीतिमत्ता, और कहा तीसरे नंबर में साहसिकता। साहस भी कैसा गजब का था, भगवान ने कहा कि समंदर लांग के लंका जाना, समंदर को लांगना है और लंका पहुंचना है। कहा भगवान हो जाएगा, कहा कैसे जाओगे, कहा चले जाएंगे, आप तो आशीर्वाद दो बस, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। कहा कि काम एक ही करना है, क्या करना है, तो कि सीता मैया को ये अंगूठी देकर के आना है। देखना साहसिकता उनके भीतर कितनी गजब की थी, विपरीत परिस्थितियों में दूसरी जगह पे जाना, वहां जाकर के भी इतना कोहराम मचाया, रावण को परेशान कर दिया, पूरी लंका को हिला दिया, अक्षय का वध कर दिया, विभीषण को अपने पक्ष में भी ले लिया, और साथ में अंगूठी सीता मैया तक पहुंचा भी दी, और इतना तो ठीक सुरक्षित वापिस भी आ गए। साहसिकता थी। जो आदमी डरता नहीं वो जीवन में कुछ भी कर सकता है, और डरपोक आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। समझना, जीवन में साहसिकता बड़ी जरूरी है, सोच समझ वाली, पागलपन वाली नहीं, ये भी साथ में समझ लेना। आजकल लोग साहसिक तो है, अब साहस ऐसा ना हो कि दसवीं मंजिल से हम डाइव लगावे, जंप लगावे और हम बच जाए, वहां तो मरोगे और कुछ नहीं होगा। सोच समझ के जो साहस किया जाए वो आपको जीवन में आगे लेकर के जाता है, बिना सोचे समझे किया हुआ साहस आपको बर्बाद कर देता है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, साहसिकता डेवलप करना, लेकिन ऐसी नहीं जो आपको बर्बाद कर दे, जो आपको परेशान कर दे, साहसिकता ऐसी जो सोच समझ कर हो, अद्भुत रूप से की जाए, और ये साहसिकता अद्भुत परिणाम देने वाली बनती है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आप जीवन में गुड लीडर बनना चाहते हो तो हनुमान जी से सीखे तीन क्वालिटीज निश्चित तौर पर सीखने की कोशिश करिएगा। दूरदर्शिता, लंबा सोचने की क्षमता डेवलप करो, नीतिमत्ता, जीवन में नीति को कभी नहीं छोड़ो, हर नीति हमें ज्ञात होनी चाहिए, कैसे जीवन जीना हमें पता होना चाहिए, कैसे कार्य करना हमें पता होने चाहिए, हमारी वैल्यूज, हमारे एथिक्स जीवन में बने रहने चाहिए। और तीसरे नंबर में कहा कि साहसिकता, साहस भी हमें बनाए रखना है, तभी जीवन में हनुमान की तरह पूजे जाएंगे। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि संसार में राम के मंदिर कम है, हनुमान के ज्यादा है, इतने अच्छे भक्त थे परमात्मा के, उसके जीवन से भी हम सीख ले तो हमारे जीवन का भी बेड़ा पार हो जाए। प्रेम, भक्ति, आराधना, प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की यूट्यूब चैनल को, और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।